चलते हैं, देखते हैं हम कैसे जा रहे हैं। आह, यहाँ पे दो गाड़ियाँ खड़ी हैं। भाई साहब, हम कैसे जा रहे हैं? पहचान जाओ। हम रॉयल लोग हैं। हम रॉयल तरीके से खेती करने जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स गो। हम देखते हैं क्या हम आज खाने वाले हैं। मेरा और इसका हेलमेट अंदर रखा है, वो लेकर आते हैं, राइडिंग गियर्स पहनते हैं, निकलते हैं। तो मुंबई में बड़े सारे दोस्त हैं मेरे, लेकिन जो दोस्त मुझे आज खाना खिलाने के लिए घुमा रहा है वो है नूर। तुम आ गए हो? नूर आ गया तो अब हम क्या खाने वाले हैं? देख रेस्टोरेंट चलते चलो देखते हैं। लोकल खाना खाएंगे। लोकल। तो मेरा ये मानना है कि जिस शहर में जाओ उस शहर का लोकल खाना जरूर खाओ। तो अभी मैं हूँ यहाँ पर एक बहुत ही फेमस सीख कॉर्नर पे, जिसका नाम है नवाब सीख कॉर्नर। क्या खिलवा रहे हो? सीख पराठा। सीख पराठा, क्या खासियत है इसकी? ये है यहाँ का बहुत खाली। सबसे ओल्डेस्ट है यहाँ का। ये ओल्डेस्ट है? कितना टाइम हुआ भाई इसको? आराम से हो गया 50 साल हो गया सर। हमसे हमारा यहाँ पे ब्रांच को 23 ईयर्स हुआ है। ऐसा बॉम्बे जोटाकी में हमारा 1948 से लगभग 70 ईयर्स होने का। बोलिए, देखते हैं क्या खास है इस पराठे में। पराठा ही होगा मैं इसको, सीख पराठा। हाँ, 6 अलग कर दिया, 6 अलग कर दो, 4 अलग। यहाँ आता है प्याज का चिन्ह। तो ये है यहाँ का फेमस सीख। आई विल नॉट से व्हाट, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं खा नहीं सकता, समझ जाओ क्या है। बहुत अच्छा है। तो अभी सबसे बड़ी कंफ्यूजन इस बात की है कि खाया क्या जाए। इतने सारे ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हमारे पास है ये, आई थिंक आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ क्या है।
जगह का नाम है जनता तवा एंड ग्रिल। तो ऑप्शन नंबर वन, विल गो टू ऑप्शन नंबर टू, लेट्स सी क्या है। और दूसरा ऑप्शन है अपने दिल्ली से दूर, दूसरा दिल्ली, दैट इज दिल्ली जायका। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि दिल्ली मतलब मुंबई में आके दिल्ली का खाना खाऊं या मुंबई में रह के मुंबई का खाना खाऊं, या मुंबई में रह के दिल्ली का खाना जो मुंबई के स्टाइल का है, या मुंबई में रह के जो मुंबई का खाना जो दिल्ली के स्टाइल का है। कन्फ्यूजन है, लेट मी डिसाइड। आइसक्रीम मेल्ट होते तो देखी होगी, अभी चिकन मेल्ट होते देखा है। Here we have something completely different. As you can see, melting kebab. My God, I am intrigued. तो हमारा खाना आ चुका है। This is, what is this? ये क्या है? ये लच्छा पराठा? नहीं नहीं, ये पेशावरी क्रीम। पेशावरी क्रीम। मुझे ना पेशावर से वही बता रहा हूँ, पेशावरी इसके लिए बड़ा क्योंकि पीला है। अच्छा। और ये है हमारा मेल्टिंग कबाब। अभी मेल्ट होगा, मेल्ट होगा जब ये कटेगा, और जब ये कटेगा तो सब में बटेगा। इट्स टाइम टू ट्राई द मोस्ट अमेजिंग मेल्टिंग कबाब। मैंने ऑलरेडी बाइट ले लिया है, यू कैन सी व्हाई इट इज मेल्टिंग कबाब। Amazing. I think melting kebab का दूसरा नाम होना चाहिए cheese burst kebab. Melting kebab के बाद बारी आती है हमारी पेशावर दाने की। दिल्ली के पास है ना पेशावर, मुंबई से तो बहुत दूर है। तो हम अब जा रहे हैं पेशावरी कबाब, नहीं टिक्का। पर मेरे घर में कहते हैं कि खाने के साथ में दही खाना इज लाइक अमृत खाना। अब लेकिन अगर दही के साथ में मटन भी हो तो वही अब मेरे सामने पड़ा है, लेट मी शो यू। तो ये रहा दही मटन, मेरे को इसमें एक्चुअली दही के साथ में खूब सारा दिख रहा है बटर। तो भाई साहब कैसा लग रहा है आपको? दिल्ली की फीलिंग आ रही है। दिल्ली की फीलिंग आ रही है पूरी। दिल्ली में कहाँ खाया था? दिल्ली में फुल दिल्ली में खाया था, जामा मस्जिद की लेन में। कुछ कुछ ऐसे ही था, कुछ कुछ ऐसे ही था। मतलब वो अच्छा था या ये अच्छा है? बॉम्बे में तो बॉम्बे में का बोलूँगा ये अच्छा है। अरे ऐसे लोग होते हैं जो लड़ाइयाँ करवाते हैं। बहुत टेस्टी है सब कुछ, और ये सारी गलती मेरे सामने है इसकी है। मैं हार गया, दिल्ली की मोहब्बत के सामने मैं मुंबई का खाना हार गया। दिल्ली जायका में बैठ के खाना खा लिया। जो कंफ्यूजन था कि कहाँ खाऊँ, दिल्ली जायका कंप्लीट कर दिया। तो खाना टेस्टी है। If you are coming to Mumbai, I think एक बार तो try बनता है for sure. So दोनों का जो confusion है, what to eat, what not to eat, we have now finalized. कि मेरा दिल दिल्ली में ही अटका है, तो बॉम्बे आकर भी दिल्ली जाएगा, ठीक है ना? दिल्ली जाएगा का खाना खाया, amazing. थोड़ा pack करा के भी ले जा रहा हूँ। तो अब जब इतना सारा खाना खा लिया है, इतने चाहे कितना भी खाना खा लो, खाने के बाद कुछ मीठा होना ज़रूरी होता है। तो पहले हम सोच रहे थे वहाँ पे खाएंगे रबड़ी फलूदा, वहाँ पे दो ऑप्शंस थे। तो हमने सोचा नो मोर कन्फ्यूजन, ये सोचना ही नहीं भाई साहब ये कि वो, हमने एक तीसरा ही ऑप्शन निकाला। अब हम खड़े हैं एक जे जे जलेबी पर। ये कहाँ है? ये जे जे जलेबी पर अभी सोच रहे हैं यहाँ पर खाएंगे हम। क्या क्या खा रहे हैं भाई? रबड़ी, जो यहाँ की बहुत फेमस है। रबड़ी जो यहाँ की बहुत फेमस है इसके अनुसार आगे देखते हैं तब बताएंगे। इसकी भी अनबॉक्सिंग करनी पड़ती है। क्यों? ये हो रही है हमारी रबड़ी की अनबॉक्सिंग। अरे वाह, अंदर से निकल के आया कुछ गजब। अरे अमेजिंग, बहुत टेस्टी है।
इतना खाना खाने के बाद जो खाते खाते मैं थक गया था उसके बाद भी ये यमी है यार, रबड़ी रबड़ी होती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। इतने सारे खाने के बाद जब सांस लेनी मुश्किल हो जाती है तो दो चीज़ें दिमाग में आती हैं, एक बिस्तर, दूसरा लाजवाब सी चाय। और जब आप चाय की बात करते हो तो चाय के टाइम पर याद आता है अदरक वाली चाय, ग्रीन टी, नॉर्मल टी, ये टी वो टी, लेकिन एक चाय जो आपके दिमाग में नहीं आती होगी वो है ये जो मेरे सामने है, तंदूरी चाय। लाइक सीरियसली तंदूरी चाय, आई रियली वॉन्ट टू नो कैसी चाय है भाई साहब जो तंदूर में बनती है। तो ये है भाई साहब गजब तरीके की चाय। ओहो हेलो, एक मिनट, ये रहा तंदूर और ये रही तंदूरी चाय और ये रहा तंदूरी कुल्हड़। देखो साहब कुछ डिफरेंट है, और ये आ गई हमारी तंदूरी चाय तंदूर से निकल के गर्मा गर्म। लो भाई एक सिप लो, हमें बताओ कैसी लगी। है नूर से नूर तक का, तंदूर से नूर तक का। अच्छा तंदूर से नूर तक का सफर इसने कैसे तय किया बताओ। अच्छी लगी, अच्छी है, चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। मैं भी जरा कुल्हड़ वाली चाय या तंदूर वाली चाय, एक्चुअली वो कुल्हड़ जो तंदूर में जाके चाय बना कर लेकर आया है, एक्चुअली लिटरल सेंस में वाली चाय चखूं। अच्छी है, डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि भाई तो गजब, पर अच्छी है, नो डाउट अच्छी है। केवल कुर्ला में मिलती है और भी मिलती है, काफ़ी जगह में मिलती है, लेकिन मैंने पहली बार सिर्फ मुंबई में देखी है और मुंबई में मैंने देखी है कुर्ला। तो इफ यू कम टू कुर्ला तंदूरी चाय ट्राई। चाय पी के मज़ा आ गया, खाना हो गया, दिन भर की थकान मिटी नहीं है, अभी मिटानी है, मैं जाता हूँ सोता हूँ। आप लोग खाओ चलाओ इंजॉय करो। देयर वाज अ नाइस फूड वॉक। तो अब टाइम है बिस्तर पकड़ने का। तो भाई साहब मैं लेता हूँ फ्लाइट अपने सपनों में जाने की। आपसे मिलता हूँ मैं सुबह। मुंबई में एक और नया दिन, नया दिन, नई खोज, नई भूख, नया दोस्त। तो मेरा एक दोस्त आ रहा है अभी, आज मेरा वैसे बहुत बिजी डे है, काफ़ी मीटिंग्स हैं, लेकिन खाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये जो दोस्त आ रहा है, मेरा ये आई थिंक ऐसा दोस्त है जो सिर्फ हम लोग जब भी मिलते सिर्फ खाने की बातें करते हैं। तो लेट मी जस्ट गो बिकॉज वो ऑलरेडी आ चुका है, आई कैन सी हिम कमिंग। तो लेट मी जस्ट कैच हिम। तो ये रहा मेरा वो दोस्त जो हम जब भी मिलते हैं सिर्फ खाने की बातें करते हैं, आई थिंक मुदस्सर बहुत खतरनाक। इज वन ऑफ दोस फ्यू लकी फादर्स, मैं हमेशा बोलता हूँ ये, क्योंकि इसका बेटा वो कर रहा है जो ये करना चाहता है, है नहीं? मोर ही वांट्स टू डू, मोर ही वांट्स टू डू, सो दैट्स व्हाट हिज सन डज। कितना है, क्या एज है उसके भी? Now he's 11. 11 साल का अब है। और कब से कर रहा है? He is riding since the age of 4. 6 से he is racing. And he is world's youngest drag racer. India's youngest motor racer. World youngest drag racer. And India's youngest motor racer. Youngest motor racer. Lovely. यार हम क्या कर रहे थे जब हम इस एज के थे? I think
मोटरसाइकिल से ऊपर अपग्रेड किया था तब हम लोगों ने। लेकिन चलो छोड़ो, अभी हम खाने की बातें करते हैं। खाना तुम हमारे को एक किसी जगह लेकर आए हो, खाना यहाँ का स्पेशल क्या है? यहाँ का स्पेशल किप्सा। तो मुझे लगता है मैं मुंबई आके हमेशा कंफ्यूजन होगा, सो ट्रू सेंस में ना मेट्रोपॉलिटन सिटी। कल बॉम्बे आकर मैंने दिल्ली जायका में खाना खाया, आज बॉम्बे में बैठ के एक मुंबई स्टाइल का पर्शियन एंड चाइनीज और पता नहीं किसका मिक्स है, जो कि शी इज सेइंग इट्स वेरी गुड और लेट मी ईट इट एंड ट्राई इट। ये आ चुका है, और मैं ये सोच रहा हूँ इसे खाऊं कैसे। आई शो यू I mean, खाऊंगा कैसे इतने सारे को? ये देखो, ये बैठा बंदा सामने और ये सामने खाना आया है। मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश करके खा के बताता हूँ कि कैसा था। So best way to have this is with hands. So let me try. चिकन अंदर है, छुपा हुआ है। बटर चिकन, वो इट्स वेरी हॉट। स्पिन शुरू हो गया। अच्छा है। तो काफी सारे स्वाद मिक्स हैं इसके अंदर। फ्राइड राइस वेरी स्ट्रॉन्ग टेस्ट, चिकन का भी स्वाद आया नहीं है क्योंकि चिकन का पीस आया नहीं है, जब आएगा तो खाऊंगा। तो बताओ आ गया और यहाँ पर खाना खा के ना लोगों को पीछे याद आ गई, दो दोस्त एक थाली में खाना खाएंगे, इससे प्यार बढ़ता है, प्यार होता है। तो खा के देखते देखते क्या होता है। एक्चुअली ये वाली प्लेट जो खा रहा था तो मेरे को वो वाला प्रोग्राम याद आ रहा था जो आता है मैन वर्सेस फूड। मुझे लग रहा था मैं इसको खाते खाते बना सकता हूँ मनन वर्सेस फूड, बट टू वेरी ऑनेस्ट बहुत अमेजिंग था। एंड किप्सा, KHIBSA नाम है इस डिश का। किप्सा राइट, एंड इट्स अ पर्शियन डिश। वो जो मैं बोल रहा था कि चाइनीज और पता नहीं क्या क्या मिक्स है वो नहीं, इट्स अ पर्शियन डिश एंड इट वॉज मोर लाइक अ ट्रेजर हंट। आप खाते हो अचानक से आपको नीचे पीसेस मिलते हैं, अलग अलग खाना मिलता है। तो आना यहाँ कौन सी जगह है अपना, कौन सी? मसगांव में हम। अमेजिंग, आई थिंक इन लोगों के तीन चार यहीं पर आसपास मसगांव में अकबर आके खाना जरूर। ऑसम। तो खाना खाने के बाद मीठा खाने का सिलसिला चालू रहेगा क्योंकि अब हम आए हैं, बड़े ही नॉर्थ इंडियन नाम है, बड़े गुप्ता जी हैं। ये है गुप्ता जी का स्टॉल। यहाँ पर मिलती है अमेजिंग सी कुल्फी आइसक्रीम, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है। यहाँ लिखा है भाई गुप्ता कुल्फी आइसक्रीम। तो अब हम लोग खाते आइसक्रीम, कुल्फी खाते। आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी, मेरे को अभी वो भी बोला गया है कि भाई जल्दी आ जा, आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग। तो मेरे साथ में है अभी खड़े हैं एक्चुअल गुप्ता जी जिन्होंने एक्चुअली स्टार्ट किया है। तो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू हिम, कैमरा स्विच। तो गुप्ता जी, हम लोगों ने कब स्टार्ट किया है? स्टार्टिंग पर मेरा फादर 1983, मतलब तब मैं एक साल का था। लोगों को भी बता दिया कि मैं कितनी उम्र का हूँ। हाँ सर, मैं एक साल का था। तो यहाँ स्पेशलिटी क्या है? कुल्फी गुप्ता जी की। किस तरीके के होटल नाम बताओ? Let me just promote it. नहीं अच्छा भाई, ट्रेड सीक्रेट। तो अभी हम लोग क्या खाने वाले हैं?
I'll give you an assorted kulfi. Assorted kulfi? Yeah, you get 8 different varieties in one slice. Eight different varieties in one slice. तो हम खाते हैं assorted kulfi, खाके बताते हैं, पेश की जाए। तो ये है हमारी assorted kulfi. इसमें मेरे को बहुत सारी varieties नजर आ रही हैं. तो मुझे जरा बता भी दो कौन-कौन सी क्या-क्या है. गुप्ता जी, लेके गए हम गुप्ता जी के पास. गुप्ता जी, okay. कौन सी चीज़ क्या है? The pink one is guava. Guava. Roasted almond. Okay. Next. Black currant, Malai chikki, Anjir badam bahar, this is dry fruit, mango and plain malai. Lovely. तो एक थाली में कई थालियों के गुण. इतनी अलग अलग तरीके की कुल्फी एक बार में खाना बात है. खा के बता दूं कैसी है. अभी तो बहुत ठंडी है, थोड़ी सी पिघल जाए ताकि खाना आसान हो जाए. चलो बता दूं. तो मैं इसका फर्स्ट बाइट ले रहा हूँ. इट इज गुआवा फ्लेवर. एक बार खा के देखता हूँ कि एक्चुअल में गुआवा का स्वाद आता है कि नहीं. Really, you can actually taste guava in this. So, all the kulfis, जितनी भी खाई मतलब मैं all इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारी variety थी और एक और भी थी जो मैंने बाद में खाई लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं क्योंकि मैं खा गया. वो थी Belgium kulfi. सारी awesome, amazing. मतलब I think kulfi special जगह मेरे को पता चल गई है मुंबई में कहाँ आना है. And for that, thanks to गुप्ता जी जिन्होंने इतनी अमेजिंग वैरायटी की कुल्फी खिलाई है हमारे को. और आई थिंक ये बाइकर भी हैं. ये बाइकर भी हैं. अभी हम लोग बात कर रहे थे एक्चुअली ये बाइकर की वजह से दोस्त बने. बाइकर होने की वजह से आइसक्रीम तो बाद में चालू हुई, बाइकर की वजह से पहले दोस्त किया. तो अभी लास्ट कौन सी बाइक चला रहे थे आप? Z1000. बताओ, छोटी मोटी तो बाइक भी नहीं चलाते हम. So after spending 2 days in Mumbai and having some amazing food, street food, kuch naya, kuch amazing. Now it's time to go back to the home, to Delhi. Saying bye is always tough. Meri kuch ajeeb si aadat hai. Main jis bhi shehar mein jata hoon, mereko lagta hai bas ab yahan se wapas nahi jana. But kya kare? Ghar to wapas jana hai. So it's time to head back.